नगर पालिका आम चुनाव 2022 का आरक्षण ड्रॉ आज निकाला गया। महल स्थित राजे रघुजी भोसले नगर भवन स्कूल के छात्रों के हाथों ड्रॉ निकालकर ओबीसी सर्वसाधारण ओबीसी महिला व सर्वसाधारण महिला आरक्षण तय किया गया। वर्ष 2022 में नागपुर नगर निगम के आम चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी के तहत आज सुबह 11 बजे महल के श्रीमंत राजे रघुजी भोसले नगर भवन में आरक्षण को लेकर कोई आपत्ति और सुझाव होने पर वे अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। 2 अगस्त तक इसकी सीमा तय की गई है। नागपुर महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022 से अनुषंगाने माननीय राज्य निवडणूक आयोगांचे सूचना प्रमाणे आज नागरिकांचं मागास प्रवर्ग नागरिकांचं मागास प्रवर्ग महिला सर्वसाधारण महिला यांच्यासाठी आरक्षण सोडतचा कार्यक्रम आज पार पडलेले नागपूर महानगरपालिकेचा येणारी जे सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी एकूण 52 प्रभाग आहे। एकूण जागेची संख्या 156 आहे। त्यामध्ये 50% म्हणजे 78 जागा महिलांकरिता राखीव करण्यात आलेले माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता एकूण 156 पैकी 35 जागा आरक्षित करण्यात आलेले, त्यापैकी 18 जागा महिलांसाठी आहे। आज यांचं सगळ्यांचा जे नागरिकांचा मागास प्रवर्गांचा प्रभाग मध्ये महिला आणि जनरल सर्वसाधारण महिला असे सगळ्याचं लाटरी काढण्यात आलेले माननीय राज्य आयोग निवडणूक आयोगांच्या सूचनाप्रमाणे संपूर्ण प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक पद्धतीने लाईव टेलिकास्ट आणि सगळं प्रिंट प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडियांचं समोर आपण केलेले होते आणि एकंदरीत याचा अंती 78 जागा आपण महिलांसाठी राखीव केलेली आहे आणि 78 पुरुष कुलाकार ठेवण्यात आलेले। पिछड़ा वर्ग नागरिक पिछड़ा वर्ग का आरक्षण और सामान्य श्रेणी तय है। आरक्षण के ड्रॉ के बाद आरक्षण का प्रारूप कल जारी किया जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।